watch out if you ignite him. He's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me and he gets caught. So hello friends, welcome back to my channel. आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो फिर से लेके आ गया और इस वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ कि इस तीनों बाइक में जो अलग अलग एग्जॉस्ट है उसका कंपैरिजन करके. तो सबसे पहला बाइक जो है उसमें रेड रूस्टर का एग्जॉस्ट लगा हुआ है विदाउट डीबी किलर्स. किसी में भी डीबी किलर्स नहीं लगा हुआ है एक्चुअली. एंड तीनों ना आफ्टर मार्केट ही है. स्टॉक वाला भी मेरे पास नहीं है तो मैं आपको उस कंपेयर नहीं करके दिखा सकता हूँ. बाकी मैं तीनों आफ्टर मार्केट को एक साथ कंपेयर कर दिखाता हूँ. तीनों में डीबी किलर नहीं लगा हुआ. पहला वाला रेड रूस्टर है, दूसरा वाला मोटर टॉर्क है एंड तीसरा वाला गुरसेवक का शॉर्ट कॉन है. तो बाकी तो देखो इस तरह ये तीनों जो एग्जॉस्ट है ये तीनों अभी बैट ब्लैक में भी आते हैं. अगर जिसका भी इंजन ब्लैक कलर का होता है तो वो भी अवेलेबल होता है. बट इस गाड़ी में क्रोम वाले शूट करता है क्योंकि ये क्रोम कलर की जीटी है मिस्टर क्लीन, तो इसमें ज़्यादा शूट करती है. बाकी तो आज मैं अभी आप लोगों को दिखाई दूंगा कि किस तरह का आवाज़ आता है तीनों में. तीनों अपने अपना देखो मैं अपना एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ. गुरसेवक का मैं शुरू से मेरे को पता है कि गुरसेवक का बेस ज़्यादा आता है. अब बेस कब आता है ज़्यादा ना, क्योंकि जब कम आरपीएम रहती है तब बेस आती है इसकी ज़्यादा. इसमें मोटर टॉर्क में पॉप्स की आवाज़ आते हैं, ठीक है, मतलब क्रैकलिंग जैसे आवाज़ आते हैं. बट अभी क्या है कि उसमें कोड सिक्स लगा हुआ है तो सबसे लाउडेस्ट भी है हो गया है. एंड और बाकी तो मतलब पॉप्स एंड बैंक्स तो एकदम अब नेक्स्ट लेवल आता है. लगातार पॉप्स कर निकलते हैं. एंड बाकी अपना रेड रूस्टर तो ऐसा है, रेड रूस्टर अगर आप पूरे इंडिया में देखोगे विदाउट कोड सिक्स रेड रूस्टर वाले ऐसी पॉप निकालते हैं. बट वैसा वो बात अलग है कि कोड सिक्स के बराबर नहीं कर सकता मैं इतना जरूर बोलूँगा. बहुत लोग ऐसा लगता है कि कोड सिक्स जैसा पॉप निकलता है बट ऐसा नहीं निकलता है. जो सामने से देखा होगा कोड सिक्स उसी को पता है कि कितना लाउड और कितना मतलब डरावना ऐसा लगता है भाई अगर लगातार अगर सिटी के अंदर का बजा दोगे तो. एंड बाकी इसमें पॉप्स तब आते हैं बट पॉप्स निकालने का भी एक तरीका होता है. मैं डाउनशिफ्ट अगर सही से किसी को करने आएगा वही निकाल सकता है पॉप्स. बाकी मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सभी कर सकते हैं. मेरे गाड़ी में भी मेरे एक फ्रेंड ने बैंगलोर में निकाल के दिखाया था तो मेरे को लगा था कि वो भी कर सकता है बट मुझे नहीं आता. मैं नहीं कर पाता हूँ पॉप्स नॉर्मल एग्जॉस्ट में. बट हाँ इसमें तो पॉप्स कर सकता हूँ क्योंकि इसमें क्या है ना आप कुछ 3000-4000 आरपीएम तो लेके जाके फिर आपको हल्का सा रेव बैक वापस करना रहता है फिर उसका फिर लगातार आपका बचते रहेगा. एंड इसमें फ्लेम्स भी आते हैं. आपने मेरे चैनल में वीडियो अगर देखा होगा तो इसमें मैंने कोड सिक्स के रिलेटेड एक वीडियो बनाया था. अगर आप नहीं देखो तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा तो आप वो भी देख सकते हो कि कोड सिक्स मैंने कहाँ से करवाया, कैसे करवाया और क्या फ़ायदे हैं, करवाना चाहिए या नहीं चाहिए वो भी हम लोग देख लेंगे. एंड तो फिर चलिए अभी हम लोग देखते हैं तीनों का कंपैरिजन करके कि तीनों का आवाज़ कैसा कैसा आता है. पहले हम लोग देखेंगे तीनों का आइडल में कैसा कैसा आता है, फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग फुल रेव करते हैं तो कैसा आता है. एंड पर्टिकुलरली 3000 आरपीएम या फिर 5000 आरपीएम पे ऐसे हम लोग अभी कंपैरिजन करके देखते हैं. सो फ्रेंड्स सबसे पहले ये अपना रेड रूस्टर है. रेड रूस्टर का भी आइडल साउंड दिखाते हैं गाड़ी चालू होने पर कैसा आता है. तो ये था अपना आइडल वाला. इसमें क्या है कि अभी विदाउट डीबी क्लियर है. अभी इसको रेव करके देखते हैं 3000 आरपीएम तक. अब इसको रेव करते हैं 5000 तक. अब इसको पूरा रेव करते हैं, पूरा रेव करके देखते हैं एक बार. ये था अपना रेड रूस्टर. अपना जीटी जिसमें मोटर टॉर्क लगा है तो सबसे पहले इसको दिखाते हैं भी आइडल पे कैसा आता है. ये था आइडल पे. अब करते हैं 3000 आरपीएम पे. अब करते हैं 5000 आरपीएम पे. अब करते हैं पूरा एक बार देख लेते हैं. इसमें गुरसेवक लगा है तो पहले हम लोग देखते हैं गुरसेवक का आइडल. अब हम लोग रेव करके देखते हैं 3000 आरपीएम तक. अब हम लोग रेव करेंगे 5000 तक. अब हम लोग रेव करेंगे 7000 तक. चलिए ये था तीनों का एग्जॉस्ट का आवाज़. और चलिए एक बार आप लोग को वो दिखा देते हैं कि कोड सिक्स वाला पॉप्स कैसा आता है वो भी करके दिखाते हैं. तो ये कोड सिक्स ट्यून वाली जीटी है. अब इसके पॉप्स निकालते हैं.
सो फ्रेंड्स, यही तक था मेरा वीडियो। अगर हमें आप लोगों को दिखा दिया किस तरह से गुरसेवक की आवाज़ कैसी आती है, मोटेडोर का अपना जो कोड सिक्स है उसका भी मैंने पॉप्स आप लोगों को सुनाया, एंड बाकी अपना रेड रूस्टर की भी आवाज़ मैंने सुना दी। आप लोग बताना आप लोगों का पर्सनल फेवरेट कौन सा है, और आप लोग अपना बाइक में कौन सा लगाने वाले हो ये वीडियो देख करके, क्योंकि अपना अपना पसंद है यार। मैं सच बोलूँ, अगर आप ओवरऑल बात करोगे ना ये तीनों में, मेरे को हम सच बताएं अपना एग्जॉस्ट लगाने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि सब में 19-20 का फ़र्क रहता है, बट फिर भी थोड़ा मोड़ा फ़र्क है भाई। सबका अपना अपना चॉइस होता है कि किसको रेड रूस्टर चाहिए, किसको मोटेडोर चाहिए। बट हाँ, मैं इतना जरूर बोलूँगा, देखो आवाज़ का मैं कंपेरिजन सुना दिया आप लोगों को, अब मैं थोड़ा आपको प्राइस और इसका डिज़ाइन के ऊपर भी कुछ बोल देता हूँ। देखो प्राइसिंग जो है अपना रेड रूस्टर का अराउंड अभी 22-23 हज़ार रुपये तक जा रहा है, ठीक है। एंड बाकी अपना मोटेडोर जो है ये भी अराउंड अभी 18-19 हज़ार के नीचे नहीं मिलती है। एंड बचा बात अपना गुरसेवक का, तो गुरसेवक का अपना दो एग्जॉस्ट है गुरसेवक के, तो एक तो अपना जो मेरे में लगा वो शॉर्ट कोन है, इसका अराउंड 19-20 हज़ार रुपये दाम है। एंड जो बिग शॉर्ट है उसका दाम 20-22 हज़ार रुपये तक दाम है। एंड यूजुअली ना गुरसेवक मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, मैंने ये अपना तो देखा, गुरसेवक यूजुअली आपको मुंबई में मिलता है एंड आपको शायद दिल्ली में मिलता है, बस दो ही जगह मिलता है, बाकी स्टेट्स में नहीं मिलता। मैं नहीं पता इन लोगों का डीलर सब उतने जगह पे नहीं है, बट रेड रूस्टर जो है एक ऐसा एग्जॉस्ट है जो बहुत इजीली अवेलेबल है हर स्टेट में, हर जगह में आपको लोग शॉप में मिल जाएगा, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा सेलिंग है। बाकी मोटर टॉर्क यूजुअली आपको ऑनलाइन मंगाना पड़ता है, बैंगलोर से आता है। ये सारे एग्जॉस्ट है ना, ये वाला एग्जॉस्ट और ये वाला एग्जॉस्ट दोनों बैंगलोर बेस्ड है, तो बैंगलोर से ही आता है। ये वाला दिल्ली बेस्ड एग्जॉस्ट, तो यही है। एंड बाकी अगर मैं आप लोगों को डिज़ाइन के बारे में बता दूं, तो ये जो आप देख रहे हो रेड रूस्टर का डिज़ाइन है बहुत स्लीक है, मतलब बहुत पतला सा है, ठीक है। एंड फिर इसका मुंह हल्का सा एकदम चौड़ा है, लेकिन इसका जो है आप यहाँ पे देखो सीधा अपना जो गुरसेवक है, गुरसेवक हल्का सा बल्की है, इसका जो यहाँ पर है ये थोड़ा ज़्यादा मोटा है। बाकी बैजिंग यहाँ पर सबका बैजिंग किया हुआ है, गुरसेवक का, मोटेटोर का एंड अपना रेड रूस्टर का, ठीक है। तो बस अपना मोटेडोर का आप ये लो देख लो, इसका एंड फिनिश मेरे को थोड़ा उतना पसंद नहीं आता, क्योंकि इसका एंड फिनिश थोड़ा सा अलग है। बाकी देखो ओवरऑल इसका स्लीकनेस अगर आप देखोगे तो ये रेड रूस्टर के जैसा ही स्लीकनेस है, बट गुरसेवक थोड़ा बल्की लगता है, ठीक है। बाकी तो मैं आपको सब कुछ बता दिया, प्राइसिंग वगैरह भी मैं आपको सब बता दिया, अब अपने हिसाब से आप लोग डिसाइड कर लो कि आपको अपने बाइक में कौन सा एग्जॉस्ट लगाना है। बाकी अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।